यूपी पुलिस को मिले 63 दरोगा, डीजी ने ली सलामी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से 63 दरोगा मिले हैं। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में शनिवार को आयोजित दीक्षांत परेड की सलामी डीजी पीटीसी ब्रिजराज मीणा ने ली। मयंक प्रताप सिंह को सर्वांग सर्वोत्तम कैडेट चुना गया। डीजी ने तलवार देकर उन्हें सम्मानित किया। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के क्वार्टर गार्ड में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित करते सैन्य सहायक राम अवतार सिंह यादव ने बताया कि शासन ने 16 मार्च 2020 में कुल 112 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों का आवंटन पीटीसी मुरादाबाद में हुआ। इसके सापेक्ष 63 प्रशिक्षुओं ने पीटीसी में आमद दर्ज कराई। एक वर्षीय पाठ्यक्रम में आंतरिक व बाह्य विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। वार्षिक परीक्षा में सभी प्रशिक्षु सफल रहे। मयंक प्रताप सिंह को सर्वांग सर्वोत्तम कैडेट चुना गया, जबकि संदीप कुमार सिंह इंदौर प्रशिक्षण में सर्वोच्च अंक हासिल करने में सफल रहे। इसके बाद डीजे ब्रिजराज मीणा ने सभी दरोगा को शपथ दिलाई। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मिलने जा रहे हैं यूपी पुलिस के बहुत जिम्मेदार पद पे जा रहे हैं। प्रस्तुत किया जाएगा। पुरस्कार विजेता कंडीशन होती है इसके सापेक्ष प्रसंगत कोर्स में कुल शपथ देता हूँ। तथा मेरा नाम मयंक प्रताप सिंह जटारी अलीगढ़ से। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने एक साल में यहाँ मेहनत करी, जो मैंने गुरुजनों से सीखा, एक अनुशासन धैर्य और जो बारीकियाँ सीखी, जो पुलिस बल के सामने आजकल आज के ज़माने में जो परेशानियाँ हैं, जो सेवा का दायित्व है, जो माहौल है देश का, जो प्रदेश का माहौल है, ये सोचा है कि पूरी ईमानदारी के साथ, संवेदनशीलता के साथ, अपनी पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ मैं काम करूँगा और मेरी कोशिश रहेगी मैं किसी का अहित न करूँ, मेरे हाथों से कुछ भी ऐसा गलत ना हो जिससे किसी की भावनाएँ आहत हों। हम यहाँ से 63 लोग पास आउट हुए हैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है। एक साल से इसका इंतज़ार था इस लम्हे का, और अल्फाज मेरे पास कम नहीं हैं, अल्फाज बहुत हैं, पर यह है कैसे बयां करूँ चीज़ें। अब इतना खुशी है, अभी परिवार वाले भी थोड़ा जाम की वजह से दूर रह गए हैं, आने वाले हैं। ये अब थाने पे जाके जो भी काम मिलेगा, जो भी कर्तव्य मिलेगा अपने सीनियर्स से या फिर अपने जो मेरा कर्तव्य दायित्व रहेगा उसको पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह करूँगा। जी मैं सर्वांग सर्वोत्तम यहाँ पूरे 63 में परेड बात हुई, क्या कहना चाहिए आज परेड जो है? ये प्रशिक्षण हमारा सक्सेसफुल रहा, इसमें सभी उत्तीर्ण हो गए हैं, और मैं यही चाहूँगा कि जो कुछ यहाँ सीखा है इन्होंने फील्ड में जाकर उसको इम्प्लीमेंट करें और अपने प्रोफेशनल जीवन में सक्सेस हो जाए।